पूर्व आईएएस नन्नूमल पहाड़िया नहीं बल्कि कैदी नंबर 1024, यही है अब नई पहचान। सरकारी बंगला नहीं, सरकारी काल कोठरी होगा नया निवास स्थान। जी हाँ, जो शख्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसके नाम के आगे कभी अधिकारी जुड़ा करता था। अब दिनमान भी बदल चुके हैं, अब वक्त भी बदल चुका है, और अब सांप को रुतबा भी नहीं बचा है। 12 दिन पहले जो अधिकारी हुआ करते थे, इन जनाब को जिला कलेक्टर का नाम लेकर जाना और पहचाना जाना जाता था। अब वो आज बंदी नंबर 1024 है। दरअसल अलवर में एसीबी के द्वारा की गई कार्रवाई में 5 लाख की रिश्वत के साथ पकड़े गए पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, जो 12 दिन पहले तक जो जिला कलेक्टर हुआ करते थे, जो आज अलवर के केंद्रीय कारागार में हिंदुस्तानी सलाखों के पीछे कैदी नंबर 1024 बन गए हैं। इनके साथ आरएएस और एक दलाल को भी पकड़ा गया था। बता दें कि जेल अधीक्षक के अनुसार जेल में पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला को कैदी नंबर आवंटित कर दिया गया है। नन्नूमल पहाड़िया को अंडर ट्रायल कैदी नंबर 1024 और अशोक सांखला को कैदी नंबर 1025 आवंटित किया है। पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और अशोक सांखला को जेल के हॉस्पिटल बोर्ड में एक अलग बैरक में रखा गया है। ऐसा भी माना जा रहा है कि कलेक्टर रहते हुए नन्नूमल पहाड़िया ने कई पैरोल कैदियों की अर्जी खारिज कर दी थी। अब जेल में जो कैदी नाराज है, उन कैदियों से पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को खतरा हो सकता है। शनिवार को एसीबी अलवर की टीम ने इन आरोपियों को 5 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। एसीबी कोर्ट ने 7 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। अब इस मामले में आगे की जांच जयपुर एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह को सौंपी गई है। संवाददाता रूपेश शर्मा, युवराज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 20 इंडिया।